सी क्वेश्चन नंबर 14 इन एक्सरसाइज 6.1। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड। सी हियर, दिस इज अ पाइप एंड सैंड इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड हियर एंड दिस सैंड इज फॉर्मिंग ए कोन एंड sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब इतनी सैंड इस पाइप में से इस ग्राउंड पर गिर रही है, ठीक है। सच वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये जो हाइट है इस कोन की, दैट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ओके, सो यू हैव टू फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। ये जो हाइट है कितने फास्ट इंक्रीज हो रही है अगर इस रेट से यहाँ पे सैंड पोरिंग हो रही है तो। सो लेट स्मॉल एच एंड स्मॉल आर इज द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म। ओके, यहाँ पे जो कोन बन रहा है इस सैंड की वजह से, उस कोन का हाइट और रेडियस हमने आर और एच मान लिया। इट इज गिवन दैट क्या दिया यहाँ पे कि हाइट जो है वो हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस है। ओके, सो दैट इज आर इक्वल्स टू, आई कैन राइट हियर 6 टाइम्स एच, R equals to 6 times H. Okay, now volume, rate of volume is given, that is 12 centimeter cube per second. एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब इतने वॉल्यूम का सैंड इस पे गिर रहा है, इसका मतलब dV by dt is given. Okay, so volume of the cone form हो रहा है, इसलिए volume जो बन रहा है इसका, इस cone का V equals to formula है हमारे पास में 1/3 πr² h। अभी यहाँ पर इस V को डिफ्रेंशिएट करते समय दो वेरिएबल इस राइट हैंड साइड में R और H, तो हमको R को करना है कि H को करना है, प्रॉब्लम है इधर तो V है, तो इसलिए यू हैव टू कन्वर्ट दिस, आइदर यू कन्वर्ट R इंटू H और H इंटू R। ओके, सो आई एम कन्वर्टिंग दिन R इंटू 6H, सो दैट डिनोमिनेटर विल नॉट बी देयर। So R equals to 6H, put here R equal to 6H. So V equals to 1/3 πr² h². So that is 1/3 πr² into h³. So that is 2π, this is 2π, 3 to the 6 h³, 2π, that is sorry, this 6² that will be 36, so this will be 312, it will be 12π h³. Okay, 12π h³. So this is number one, this is V is given. V now differentiating with respect to अभी t, क्योंकि रेट dv by dt ये सेकंड है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी है यहाँ पर। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ द साइड्स, सो dv by dt जो होगा, dv by dt, इसको h को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो 12 पाई डेरिवेटिव ऑफ h क्यूब इज 3h² इंटू h को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dh by dt। सो दैट इज दिस विल बी 12π × 9h² dh by dt। ओके, सो दिस विल बी 3h² ओके, सो dv by dt इज 36, सॉरी 83 ना, हाँ, सो 36 पाई
this is 3 h square, not 9. Okay, so 36 pi h square dh by dt. So this is dv by dt, but dv by dt is given. Now dv by dt, that is given 12 centimeter cube per second. So put this value here, dv by dt. Therefore 12 centimeter cube per second, 12 equals to 36 pi h square into dh by dt. हाइट कितने रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो हमको निकालना है, ठीक है. सो दैट इज डी एच बाई डी टी. देयर फोर डी एच बाई डी टी इस विल 12 अपॉन 36 पाई एच स्क्वेयर, है ना. सो दैट इज डी एच बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वेयर, 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वेयर. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ सैंड कोन विथ रिस्पेक्ट टू टी व्हेन एच इज इक्वल टू 4. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. देयर फोर डी एच बाय डी टी व्हेन एच इक्वल टू 4. सो दैट विल बी 1 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू एच स्क्वेयर, दैट इज 16. So 48 pi, 1 upon 48 pi. This is dh by dt. Height is increasing with respect to time, though centimeter per second. dh by dt. H ka centimeter hoga, t ka second hoga. So centimeter per second. Therefore, the height of the sand. Height of the sand cone increasing at the rate of 1 upon 48 pi centimeter per second. Okay, so this is the answer. Okay, students, now say next question. क्वेश्चन नंबर 15. द टोटल कॉस्ट सी एक्स, जैसे हम फंक्शन देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, वैसे कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया, उसे फंक्शन दिया सी ऑफ एक्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इन इज गिवन बाय. देखो जैसे कंपनी में जितने आइटम्स तैयार होंगे दिन भर में, उस हिसाब से उस यूनिट की कॉस्ट बढ़ेगी. हो सकता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कीमत कम हो सकती है, या प्रोडक्शन ही कम है तो कीमत बढ़ा भी सकते हैं. लेकिन कंपनी ने एक फार्मूला तैयार किया है, ये कॉस्ट ऑफ दैट आइटम सी ऑफ एक्स, एक्स मीन्स वो यूनिट जो तैयार हो रहे, कॉस्ट ऑफ एक्स दिया है इस फार्मूले से 0.007 एक्स क्यूब नंबर ऑफ आइटम्स का क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000. ओके, दिस इज द कॉस्ट सी एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स. कितने नंबर ऑफ यूनिट्स तैयार होते हैं उसकी कॉस्ट इस फार्मूले से तैयार हो जाएंगे आपके पास में. ओके, आपको क्या निकालना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, मार्जिनल कॉस्ट सपोज आई एम डिनोटिंग बाय दिस एम सी व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. अगर 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो गए उस कंपनी में तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा उस आइटम्स का. ओके, तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट हम एम सी लेते हैं. लेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूनिट एक्स इज इक्वल टू एम सी. एंड दिस मार्जिनल कॉस्ट मीन्स ये होगा डी सी बाई डी एक्स. इस सी को आपको डिफरेंस कितना रेट से वो चेंज हो रहा है. सो डी सी बाई dx, this will be marginal cost. Okay, so you differentiate this dc by dx. तो यहाँ पर क्या होगा, 0.007 with respect to x differentiate करना है 3x square minus 0.003 into 2x plus 15 plus 0. This is the derivative of c with respect to x, right? So
let us therefore marginal cost will be 0.021 x square, multiply this 3, 0.021, this is x square, okay, minus 0.003 into 2, that will be 0.006 into x, and then this plus 15. Okay, this is the marginal cost, but you have to find the marginal cost when x equal to 15. Now we have to find the marginal cost when x equal to 70. Therefore dc by dx, that is marginal cost यहाँ पर at x equal to 17. So this will be, put the value of x as 17. So 0.021 into 17 into 17 minus 0.006 into this 17x plus 15. Okay, so you multiply this, so you get 6.069. 6.069 minus 0.102, and this is this value, then this plus 15, this plus 15, take this product, it comes 6.069 minus 17 multiplied by 0.006, it gives 0.102. okay, so it comes equals to 20.967. okay, therefore marginal cost of x unit equals to rupees 20.967. this will be the marginal. Okay students, now take another question. Question number 16. The total revenue received from the sale of x units ka sale karne ke baad mein jo revenue usko mil raha hai of the product is given by r of x, revenue in terms of x number of units bechne ke baad usko kitna revenue milta hai, to ye uska formula diya usne, 13x square plus 26x plus 15, ye total revenue hoga, theek hai, x number of units sale karne ke baad mein. तो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू, अगर 7 है तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा उसका, ठीक है. तो मार्जिनल रेवेन्यू इज, सपोज आई एम डिनोटिंग बाय एम आर, और ये होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैपिटल आर रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स पे डिपेंड करेगा, तो ये फार्मूला, ये जो रेवेन्यू है ये एक्स पे डिपेंड है, क्योंकि इसका डोमेन जो है एक्स पर है ना. सो द रेट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू है ना, विद रिस्पेक्ट टू the number of items sold at an instant that will be dr by dx है ना. Now r of x is given, r of x is 30x square plus 26x plus 15, okay. Therefore dr by dx, that is marginal revenue, dr by dx, so that will be 26x, 13 derivative of x square is 2x, so 26x plus
26, so that will be 26 in bracket x plus 1. Okay, therefore अभी हमको marginal cost कब निकलना है, when x is equal to, see here x equal to 7 के साथ में, find the marginal revenue. Therefore marginal revenue at x equal to 7, that is dr by dx when x equal to 7. तो कितना होगा ये 26 in bracket 7 plus 1, so 26 in bracket 8 होगा, है ना, 26 in bracket into 8, that will be 208. So this will be the marginal revenue, है ना, marginal revenue, MR की value. Hence marginal revenue equals to rupees 208. This will be the marginal revenue. Okay students, now see next question. Choose the correct answer in question number 17. What is question number 17? The rate of change of area of a circle with respect to its radius, means dA by dr. Radius क्या है? R है. At r equal to 6 होगा तो कितना होगा? तो आपको solution option में से select करना है. Here आपका area of a circle, formula लिखो, area of a circle with radius r is given by a equals to pi r square. आपको निकलना यहाँ पे dA by dr. Therefore the rate of change of area with respect to r, बोला उसने, the rate of change of area of a circle with respect to radius, so that will be dA by dr. So dA by dr कितना होगा यहाँ पे? 2 pi r होगा, 2 pi r square का derivative 2 r, है ना, dA by dr with respect to r differentiate कर रहा है, तो so dr by dr 1 हो जाएगा. Now therefore dA by dr when r is equal to 6, r equal to 6, तो कितना हो जाएगा? 2 pi into 6, that is 12 pi. So answer B is correct answer. B option is correct answer. This will be centimeter square per radius होगा यहाँ पे, जो भी होगा, centimeter square per radius. Okay, then part B is correct. Then see question number 18 also. Question number 18 is the total revenue in rupees. The total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by formula is r of x equals to 3x square plus 36x, okay, plus 5. This is given. The marginal revenue when x equal to 15 is कितना होगा? तो ए दिया है उसने 116, बी दिया है 96, सी दिया है 90 और डी दिया है 126. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. ओके, सो सॉल्यूशन यहाँ पे 17 एंड 18 करते हैं हम. सो सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन हियर, सी फर्स्ट व्हाट इज गिवन
the total revenue in rupees received from the sale of x units of the product is given by the formula say r of x diya usne r of x total revenue so that is 3x square plus 36x and plus 5 3x square plus 36x plus 5 so therefore marginal revenue marginal so ye hoga aapka dr by dx marginal revenue dr by dx okay so ye kitna hoga this is 12x dr by dx this is 3 to 2 6x plus 36 hai na 6x plus 36 now you have to find the marginal revenue when x is 15 therefore marginal revenue dr by dx when x equal to 15 to hoga 6 into 15 plus 36 hai na so that will be this 90 plus 36 okay so it will be 126 therefore part this d part d is the correct answer is the correct answer so in this way you can find this marginal revenue marginal cost okay thank you